आप जब भी आओगे इधर यार। सो है गाइस, कैसे हो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जाने वाले हैं मार्केट, क्योंकि मेरी बाल कटवानी है और बाल कटवानी इसलिए है क्योंकि मेरा जो इंजीनियर है वो मेरे नाक में दम कर रखा है। भाई बाबू भाई बाल कटा लो यार, उसको बाल से क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी मैं बाल कटाने का इरादा किया और मैं चल रहा हूँ बाल कटाने। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक जुड़े रहे और वीडियो को पूरा एंटरटेन करें। लेकिन उसे कैसे बताऊं, बाल कटवाने के बाद से मेरा फेस लगने लगता है बिल्कुल पप्पू। वैसे मैं पप्पू ही हूं, लेकिन वेरीफाइड पप्पू लगने लगता हूं बाल कटवाने के बाद। तो गाइज उससे मेरा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ इधर का क्या लोकेशन है, इधर का क्या व्यू है। तो गाइज वीडियो का लास्ट तक जुड़े रहना, पूरे एंटरटेन करना। तो गाइज मैं जब भी मार्केट निकलता हूँ तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इस रोड को क्रॉस करना। तो गाइज इस रोड को जब भी मतलब अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे को पुलिस वाले देख लिए तो मेरा फाइन आएगा 100 रियाल, और 100 रियाल उसी टाइम मेरे को आएगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्योंकि गाइज इधर का जो रूल है यार बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। 100 रियाल को अगर कन्वर्ट करूँ आपको इंडियन रुपीज में तो वो हो गया मेरा 2200। इसमें यार कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और इस रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। लाइक वैसे में तो कर ही लेते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक बार पुलिस वाले का हाथ लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो गाइज कैसे कैसे करके मैंने रोड क्रॉस कर लिया और मैंने रोड के इस पार आ गया जिस साइड मार्केट है और मैं जा रहा हूँ। और लाइक यार इधर देखो यार, एक सामान दिखा रहा हूँ जब भी जाता हूँ यार, ये देख रहे हो, पहले ये देख लो उसके बाद बताता हूँ। ये देख रहे हो यार, आउटडोर है यार, एसी का ये आउटडोर है। इधर इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, पहले ये देखो यार, इधर इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, और ये प्लस में यहाँ से निकलो यार इतना तेज मारता है ना गर्म हवा यार, ऐसा लगता है मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो गाइज ये देखो यार, इधर से मेरा मार्केट चालू होता है। तो गाइज ये सब है मार्केट इधर का, लाइक सऊदी अरबिया का जो भी होता है यार, यार इसी टाइप का, जो भी आप सऊदी अरबिया में कितने भी अच्छे सिटी में चल जाओ इसी टाइप का फील होता है, लाइक इसी टाइप का सब कुछ दिखता है। तो गाइज यही सब है इधर का जो भी है यार, ये देख रहे हो यार, ये सब साइड में जो दिख रहा है आपको, ये सब रेस्टोरेंट है। आगे क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज चलो दिखाते हैं सैलून इधर का कैसा होता है, उसमें कैसे लाइक सऊदी काटते हैं, इंडियन काटते हैं, पाकिस्तानी काटते हैं, बांग्लादेशी काटते हैं, लेकिन उससे कोई नहीं आपको दिखाता हूँ यार कौन सा कैसा सैलून होता है इधर का। इधर का सैलून क्या यार, अपने जैसा ही सैलून होता है, लेकिन मैं चलो वहाँ पे दिखाता हूँ यार कौन सैलून में, मतलब इधर जो भी मेरे को फर्स्ट सैलून दिखेगा उसी में जाऊँगा और उसमें दिखाता हूँ यार कौन बंदर रहेगा यार। पता नहीं वो मेरे को वीडियो अलाउ करेगा बनाना कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं बनाऊँगा। तो गाइज अभी एंट्री कर दी है मार्केट में, भाई ये छोटा मोटा मार्केट है और इस मार्केट का नाम है बंगाली मार्केट। और इधर बंगाली मार्केट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पूरे बंगाली लोग ही अपना मार्केट इधर बना के रखते हैं। यहाँ पे इंडियन मिलेगा आपको 1%, नहीं तो सब मिलेंगे भाई बांग्लादेश के लोग हैं, सब बांग्लादेश का ही शॉप है। तो गाइज दिखा रहा हूँ इधर का जो भी है यार, व्यू जो भी है। यस ब्रदर के फिलहाल। तो गाइज यही सब है मार्केट है, और इधर का जो भी देख रहे हो यार व्यू ऐसे ही है और हमेशा इधर ऐसे ही रहता है। आप जब भी आओगे इधर यार ऐसे ही सीन होता है। ठीक है यार, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने सैलून के पास, और इसमें पहले भी एक बार कटवा लिया हूँ, लेकिन ये इसमें का जो पहले जो बंदा था वो चेंजिंग लग रहा है। तो गाइज अंदर जो एंट्री करता हूँ दिखाता हूँ। तो गाइज ये हो गया सैलून जी। भाई साहब के फिलहाल, भाई साहब कहाँ से आप? अच्छा बांग्लादेश। तो गाइज ये लोग बांग्लादेश से है, और भाई सैलून का आपका प्राइस क्या है? हाँ जी बॉस, ब्रदर कितना है प्राइस बाल कटाने का? वीडियो बंद करो क्या हुआ? यार वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कर आपका यार, फेस भी वीडियो बंद करो भाई, ऐसा अच्छा नहीं है। बस हवा निकल गई। यार बाल कट गई, और यार जो भी हुआ यार इस सैलून में सही नहीं हुआ यार। फर्स्ट नंबर मैं बता रहा हूँ यार, ये बंदा बोला यार 10, और काटते काटते ले गया पता नहीं किधर किधर काट दिया, बाल ही काटा ना यार कैसे भी काटा।
बाद में बोला नहीं ये 20 वाला बाल कटा है, और ये बंदा इतना यार कसम से इस दुकान में दोबारा तो आने वाला नहीं है, क्योंकि यार इसमें आने के बाद ये बंदा इतना गिर गिर किया, फिर भी यार बोल रहा है तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे, वीडियो मत बनाओ, ये लाइक दिस डेट। फिर भी मैंने बोला यार तू तो बाल काटेगा यार, सलून किस लिए नहीं, किस लिए खोला है? फिर इतना गिर गिर होने के बाद से बाल कटा और साला गुस्से से 20 रियाल मांगने लगा, ठीक है। फिर वैसे कि ये बोले यार 15 ले लो, लेकिन फिर 20 दिए यार। अगर 20 रियाल के यहाँ पे बाल कटा, इंडियन प्राइस हो गया यार 440 के रेंज में, ठीक है, 440 रुपये के रेंज में यार, यार बहुत मुश्किल है भाई यार। और वैसे मैं इस दुकान में दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि यार ये बंदा बहुत ख़राब था यार, बहुत यार गिर गिर करने लगा बहुत किया यार। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट यार तुम वीडियो नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, और जिस जैसे यार तुम्हारा क्या गला दाब रहे थे यार, यही सब बात था यार। लेकिन बाल जैसे भी काटा यार, बाल काट के मेरे को चुंबू बना दिया। गाइस चलते हैं थोड़ा यार, यार बहुत चलते चलते थक गए, तो चलते यार एक समोसा खाएंगे एक। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम ब्रदर। एक समोसा ले दीजिए, हाथ दिखाता है मास्टर जी, और एक मिठाई ला दीजिए, लाल मोहन। या लाल मोहन ला दीजिए भाई, खाए हुए बहुत दिन हो गया। तो भाई जी ये होटल है, एक छोटा मोटा होटल है इस मार्केट में, और ये बंगाली है, यही वाला ला दीजिए भाई जान। तो गाइस ये रहा हमारा लाल मोहन, और ये रहा समोसे। यार वैसे भी बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, ये लाल मोहन समोसा तो खाए थे यार, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखे, सॉरी पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे जो भी था मेरा, समोसा जलेबी खाए थे। तो यार इधर जो होता है यार, इंडिया का जो भी सामान होता है सब मिलता है, ठीक है। तो वाइज मिलते हैं खाने के बाद से। हाँ भाई जान कितने हुआ? एक समोसा और एक लाल मोहन था। अपने दीवाने का कर दे पूरा, रे की अखियों से गोली मारे। पानी ले लेते हैं, पानी एक पानी दे दीजिए। ओके ब्रो। ये एक वाला है ना? ओके ब्रदर। तो गाइज एक लाल मोहन का और एक समोसा का 4 रियाल, और एक पानी का 5 रियाल, टोटल 5 रियाल इंडियन अगर प्राइस ले आपको दिखाए तो 110 रियाल। काफ़ी महंगा लग रहा है ना, लेकिन ये महंगा नहीं है, क्योंकि इसी हिसाब से यार अपने यहाँ भी, क्योंकि यार जिस तरह से इधर आपका ईयरनिंग है, जिस तरह से आपका मंथली है, उसी हिसाब से इधर का सामान भी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं हुआ। तो गाइज यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ से यार और भी एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय, लव यू। तेरी पहला जब भोसड़ी क्या।